हमारे YouTube चैनल बना में आप छोले की सब्जी। यहाँ पर हमने छोले ले लिए हैं एक कटोरी, उसको हम भिगा देंगे 2 घंटे के लिए। लहसुन प्याज हरी मिर्ची अदरक इन सब का हमको पेस्ट बनाना है। लहसुन अदरक का अलग पेस्ट बनाएंगे, प्याज का अलग पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा पीस गया है। अब यहाँ पे हम टमाटर को पीस रहे हैं। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पीस लिया। इधर हमारे चने और आलू उबल गए हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, उसको डाल देंगे, तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए हैं। अब ये मसाले होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से भूजेंगे। ये इसको भूजने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना प्याज। प्याज को हमने पीस के रखा हुआ था, वो हमने डाल दिया। यहाँ पे हम सूखे मसाले निकाल लेते हैं। 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला। हमारी प्याज सिक जाएगी तो उसमें हम इसको डाल देंगे। प्याज हमारा सिक चुका है, अब हम इसमें मसाले अपने डाल दिए हैं। मसाले हम 2 से 3 मिनट भूजेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए टमाटर की प्यूरी और इसको हम अच्छी देर तक पकाएंगे। इधर हमारे चने अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, देख सकते हैं। आलू फोड़ लेते हैं। अब हम आलू डाल देते हैं, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम इसमें अपने चने डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी इस तरीके की दिख रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। इसको हम 5 से 10 मिनट बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हमारी सब्ज़ी इस तरीके से बन करके तैयार है। यहाँ पे हम कटी धनिया पत्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम सब्ज़ी को निकाल लेते हैं बाउल में। हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है खाने के लिए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट